दुआता हूँ। और कैसे हो अस्सलाम वालेकुम, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा अब नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है। इसको स्पेशल सर्कुलेशंस कहते हैं या रीजनल सर्कुलेशंस भी कहते हैं, इसको रीजनल भी कहते हैं, ठीक है। रीजनल सर्कुलेशन से मुराद ये है कि अब हम कुछ जो बड़ी इम्पोर्टेंट और मशहूर सर्कुलेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी हैं और उनके अपने कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। इसलिए उसमें मेरी जो वीडियो है उसमें, क्योंकि वो ये इंडिपेंडेंट वीडियोस होती हैं, वीडियो बनाते हुए मेरे जहन में ये होता है कि एक कोई बच्चा है, ज़ाहिर है अगर तो किसी बाहर की जगह का बच्चा है तो वो अगर सिर्फ इस वीडियो को देखेगा तो इसको लोकल ब्लड फ्लो के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, वरना इसको रीजनल ब्लड फ्लो की समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो लेक्चर है ये स्टार्ट होता है विद रिविजन। तो ये आप लोगों के लिए नहीं था, ठीक है, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। तो ये एक पहली दो स्लाइडें जो हैं ये रिविजन थी लोकल ब्लड फ्लो का जो हमने काम किया था, ठीक है। असल में जो कहानी शुरू होती है हमारी आज वो कॉरोनरी सर्कुलेशन से होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है, अब जैसा आप जानते हैं कि कॉरोनरी सर्कुलेशन मेरा ख्याल सबसे जरूरी जो दो सर्कुलेशन है, चलो तीन कर लेते हैं, वो है कॉरोनरी सेरिब्रल यानी ब्रेन की। अच्छा आवाज नहीं आ रही, चलो साउंड चेक करें फिर दोबारा। ओके सो ओके सो कॉरोनरी सर्कुलेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल सर्कुलेशन भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल सर्कुलेशन ब्रेन की सर्कुलेशन को कहते हैं, और रीनल सर्कुलेशन किडनी की सर्कुलेशन को कहते हैं, वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वी विल स्टार्ट विद कॉरोनरी सर्कुलेशन। ओके, अब कॉरोनरी सर्कुलेशन के कुछ मामलात हैं, आप ने आई एम श्योर वो वीडियो देख ली होगी जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, और तो मेरा ख्याल है सब बच्चे वो देख के नहीं आए, ऐसा ही है। कितने बच्चों ने वो वीडियो देख ली है पहले यहाँ पे आने से पहले? देख लिया? एनीबडी एल्स? सिर्फ शहर ने देखी है? अच्छा ठीक, हाफ देखी है, अच्छा नहीं देखी। बेटे वो वीडियो को फॉरवर्ड करने का एक मकसद होता है, और मुझे पता चल जाता है, वो जाहिर है चैनल के मैं रन कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने देखी है। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो जो भी है 65-70 के अराउंड है, तो वो जो उसका काउंट आ रहा होता है जिन बच्चों ने देखी है लास्ट 48 आवर्स में, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये अगर अब देखो ना, मेजॉरिटी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं देखी, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये वाला जो डिस्कशन होती है इसमें बीच में कई क्वेश्चंस होते हैं, ये कंप्लीट तो लेक्चर नहीं हो पाएगा इस तरह से, तो वो आपकी नॉलेज में गैप रह जाएगा, ठीक है। तो आपसे यही मेरी ताकीद है कि आप जो मैं होमवर्क दिया करूं वो आप किया करें, ठीक है, आप ही की भलाई है इसमें। चलें तो कॉरोनरी सर्कुलेशन का हम ज़ाहिर ब्रीफ ही कर सकते हैं। उसमें जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वीडियो में, वो ये है कि ये कॉरोनरीज जो आर्टरीज हैं ये ऊपर पड़ी होती हैं हार्ट के, और ये पिक्यूलियर बात है हार्ट की। वैसे वेसल्स में या वैसे टिश्यूज में आर्टरीज डीप होती हैं, लेकिन हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो उसके ऊपर ही पड़ी होती हैं, और ये मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है उस वीडियो में, मैं उसको रिपीट बेटे नहीं करूँगा, आपने उसको देखना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने उस नीचे उसके कॉमेंट कर देना, ठीक है, क्वेश्चन मुझे वहीं कर लेना, इस तरह मुझे ये पता लग जाएगा कि आपने वीडियो देखी है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशन मैं उसमें कर रहा हूँ कि आर्टरीज ऊपर पड़ी होती हैं, और फिर मैंने इस डायग्राम को वहाँ पे दिखाया कि जी ये उसका डिटेल स्ट्रक्चर है, कि जो ऊपर वाली जो ऊपर पड़ी होती हैं सरफेस पे, वो फिर ब्रांचेस भेजती हैं मायोकार्डियल मसल के अंदर, और पूरी वो पूरे जो उसकी जो डेप्थ है उसके अंदर से वो ट्रैवल करती हुई अंदर तक जाती हैं, और जो सब एंडोकार्डियल
लेवल है, यानी बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा उस मायोकार्डियम का, वहां तक चली जाती है। ठीक है, तो ये उसका बैरूनी हिस्सा है, ये वाला इसका बैरूनी हिस्सा है, और ये जो है ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम ये डिस्कस कर रहे हैं बेटे, हम ये वाली डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बोल पढ़ो। ओके, सो ये जो ऊपर आर्टरीज पड़ी हुई हैं, ये सुपरफिशियली पड़ी हुई हैं, ये अपनी ब्रांचेस भेजती हैं अंदर, डीप इनसाइड द मायोकार्डियल टिश्यू, मसल, काफी मोटा मसल होता है। और ये जो फर्दर उसकी ब्रांचेज, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसे परफोरेटर्स कहते हैं। ठीक है, वो भी सारी अब डिस्कशन उसमें है, डिटेल वीडियो में, वो फिर देख लेना। और फिर ये अंदर एक और प्लेक्सस बना हुआ होता है जो कंटिन्यूस होता है बाहर वाली कॉर्नरीज के साथ। तो बाहर वाली कॉर्नरीज जो है वो सप्लाई करती हैं ब्लड, ब्लड अंदर आता है और वो डीप जाके ये सब एंडोकार्डियल आर्टीरियल प्लेक्सस में चला जाता है। इस तरह से जो जितनी भी थिकनेस है, जो भी थिकनेस है, ये जितना मोटा ये मायोकार्डियम है, इस ये सारा सराब हो जाता है ब्लड से, कोई चीज जो कोई जगह रह नहीं जाती। वरेशम, मैंने बेटे सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था कि किताब के मामले पे ना, तो वो अब आप अपने कॉलीग से डिस्कस करो, उससे फिर ना मेरे इस लेक्चर का टाइम काफी फिर कम रह जाता है, ये बातें बार बार रिपीट होती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। यू आप डिस्कस कर रहे ना, फिर भी ना समझ में आया तो मुझसे बाद में पूछ लेना। ठीक है, अब जो करने वाली बात है वो ये है कि रेस्टिंग एट रेस्ट कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो है वो 25 ml पर मिनट है। ठीक है, ऑक्सीजन यूजेज जो है वो 7% है जो बॉडी पूरी यूज करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ हार्ट जो है वो बॉडी का टोटल ऑक्सीजन कंजम्पशन का 7% कंज्यूम करता है। ठीक है, इससे आपको पता लगता है कि हार्ट लगातार उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो काफी क्रूशल हो जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आप ये भी अंदाजा कर सकते हो कि अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें जरा सा भी मसला हो जाए, कोई इस्कीमिया हो जाए, ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हार्ट को, बिकॉज उसकी कंजम्पशन ठीक ठाक है। ठीक है, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बहुत क्रूशल बात है, वो ये है कि कॉर्नरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, कॉर्नरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो डायस्ट्री के दौरान सबसे ज्यादा होता है। ये बात मैंने अगेन उस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस की है। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, और वो मैं डिपेंड कर रहा होता हूं उस वीडियो के देखने पे, बिकॉज उसके बाद हम जरा फाइन और एडवांस बातें कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये बात जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको तो पता है कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनमें से जिन बच्चों ने ये देखी है वीडियो, मैं उनसे मुखातिब हूं कि आपको ये ग्राफ समझ में आता है, ये वाला, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है। ये वाला ग्राफ, यस नो, कुछ तो बोलो। अच्छा, और बेटे वीडियो देखी थी आपने? ओके, लेकिन आपने वीडियो देखी थी और आपको समझ में नहीं आया, मैं सिर्फ इसलिए फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। सो ये ग्राफ बड़ा सिंपल है बेटे, इसमें दो चीजें दिखाई हैं, एक सिस्टली दिखाई है, ठीक है, और एक डायस्टली दिखाई है। ठीक है, मैं आपको ये जो बात है ना, ये वाली, ये बात अब एक्सप्लेन करने लगा हूं कि कॉरोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा फ्लो करता है डायस्टली के दौरान, कार्डिक डायस्टली के दौरान, यानी जब ये हार्ट रेस्ट कर रहा होता है तब इन शरियानों में ब्लड फ्लो की तरसील ज्यादा होती है। ठीक है, ये मैंने तीन तरीके से कह दिया, ये बात समझ में आई है? ग्राफ से पहले ये बात समझना जरूरी है जो मैं अभी कह रहा हूं। ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे बताए। और बाकी
रीच को आगे आगे अलीशा आपने बेटे क्योंकि वीडियो नहीं ना देखी बिल्कुल आपको इसलिए आप बिल्कुल अगर पूरे हो क्या होगा फिर नहीं समझ में आएगी। सहर टू थर्ड्स डायस्ट्री वन थर्ड सिस्टली ये बात भी नहीं हो रही बेटे। बात हो रही है डायस्ट्री के दौरान कॉरोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होता है सिस्टली के दौरान कम हो जाता है। ठीक है आज लगता है क्लास का पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं है वो फील नहीं आ रही मुझे। खैरियत है आज खैरियत है मूड लगता है नहीं है पढ़ाई का मूड नहीं है आज। जी बेटे बिल्कुल होंगी क्लासेस और एनर्जी लेवल आपने अप रखना है। हाँ जी ठीक है अब मैं वही बात है देखो मैं अब रिपीट पे लग जाऊंगा फिर मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं कर मैं आखिरी दफा रिपीट करने लगा हूँ इसको किसी बच्चे ने पूछ ही लिया है तो फिर मुझे होता है कि कुछ रह ना जाए। अब देखो पूरे अब यहाँ आप समझो इस वाले मसल किसी भी मसल के हिस्से को ना उसने एक्सपैंड करके यहाँ दिखाया हो ठीक है ताकि आपको कॉरोनरीज का जो कॉरोनरीज का जो वो है आर्किटेक्चर ठीक है वो पता लगे। तो इस ये तो सिर्फ फ्रंट से हार्ट को दिखाया हुआ है ना इस जगह पे हार्ट को सिर्फ फ्रंट से दिखाया हुआ ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि भाई सरफेस पे आर्टरीज पड़ी हुई हैं और उनकी ब्रांचेस अंदर जा रही हैं कुछ लाइट पिंक है कुछ डार्क पिंक है डार्क जो रेड है वो ऊपर ही पड़ी हुई है लाइट पिंक उसने दिखाने की कोशिश की है 3D में कि ये अंदर पेवस्त हो गई ठीक है। अब यहां पे इस डायग्राम में उसने डिटेल बताई है इस डायग्राम में उसमें डिटेल बताई है कि ये जो आर्टरी आपको रेड नजर आ रही है ये दरअसल एपिकार्डियल कॉरोनरी आर्टरीज है ऊपर वाली आर्टरीज ठीक है एपिकार्डियल आर्टरीज। वो एपिकार्डियल आर्टरीज क्योंकि मायोकार्डियम का मसल बहुत थिक होता है तो वो जो ऊपर पड़ी हुई होती है वो फिर ब्रांचेस भेजती हैं अंदर की तरफ उस मसल की थिकनेस के थ्रू। सिर्फ एपिकार्डियल कॉरोनरी आर्टरीज इनफ नहीं होती मायोकार्डियम को शराब करने के लिए। अगर सिर्फ ये ऊपर वाली आर्टरीज हम गिन लें और अगर सिर्फ ये होती तो इनसे मसला हल नहीं होना था ठीक है क्योंकि मसल बहुत मोटा है वो अंदर तक उसकी तराई नहीं होनी थी। आप समझ में आ गई होगी बात प्रॉपरली उसके हर जगह को सप्लाई करना अशद जरूरी है और मसल है बहुत मोटा और मोटा होना उसको जरूरी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे ब्लड में ब्लड फेंकना है और पूरी बॉडी में ब्लड फेंकना है। अब आई बात समझ में उसके लिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कलर जरा डिफरेंट करता हूँ कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जरा इधर गौर करें ये क्या हो रहा है कार्डिक मसल की थिकनेस चेक करें और फिर ये देखें ये क्या हो रहा है ये हो रहा है कि ये जो एपिकार्डियल ऊपर कॉरोनरी आर्टरीज हैं ये अपनी ब्रांचेस भेजती हैं डीप इनसाइड द मायोकार्डियम। यस अब साथ से बोलते रहो ताकि मुझे पता लगे तुमको समझ में आ रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये जो अंदर आर्टरीज फेंक रहे हैं ये परफोरेटर्स कहलाते हैं और ये साइड पे अपनी ब्रांचेस और भी भेजते हैं साइड हॉरिजॉन्टली ये ग्रीन में बना रहा हूं नजर आ रहा है ग्रीन एरोज चलो अब ब्लू एरोज वो ब्रांचेस हैं जो डीप डाइव करती हैं अंदर मायोकार्डियम के और फिर ग्रीन वाली वो हैं जो इसके अंदर लैटरली ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इन्हें परफोरेटर्स कहते हैं। परफोरेटर से मुराद ये परफोरेट करना किसी जगह सुराख करके पहुंच जाना। तो मायोकार्डियम अगर पूरा एक मोटा सा मसल है तो ये आर्टरीज उसको बकायदा उसको परफोरेट करती हैं उसके अंदर सुराख करके अंदर पहुंचती हैं डीप इनसाइड। चलो शुक्र गुड बस ये हो गई बात तो उसको टोटल को शराब करना जरूरी है। अब वापस इस ग्राफ पे आ जाते हैं जो मेरा इंटरेस्ट है जिसको समझाना जरूरी है। अब इस ग्राफ में आपको
दो चीजें दिखाई गई हैं, एक आपको सिस्टोली दिखाई गई है, एक आपको डायस्ट्री दिखाई गई है। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक। फिर ही साथ आप, ये तो हो गया बेटे, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस पे आपको क्या दिखाया गया? कॉरोनरी ब्लड फ्लो। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है कि जब डायस्टली, जब सिस्टली शुरू होती है तो ब्लड फ्लो फौरन नीचे जाता है और वो बस नीचे ही रहता है ड्यूरिंग सिस्टली। क्यों जी, ये बात क्लियर हुई है? मतलब नजर आई है ये? अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, समझा नहीं रहा, अभी मैं आपको सिर्फ ग्राफ का शेप पढ़ा रहा हूं। ये गंदे बच्चे पढ़ के नहीं ना, इसलिए। चलो शुक्र है। फिर अब एक और चीज देखते हैं, वो भी बड़ी मजे की चीज है। वो ये चीज है कि जैसी डायस्ट्री स्टार्ट होती है ये ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये पिंक एरो नजर आया? ठीक है। और फिर बतदरीज कम कम होती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे इस पूरे डायस्टली में, इस पूरी डायस्टली में किसी भी पॉइंट पे या हर पॉइंट पे वो सिस्टली के ब्लड फ्लो से ऊपर ही होती है। कॉरोनरी ब्लड फ्लो डायस्टली के दौरान हर पॉइंट पे, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे सिस्टली के जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो है उससे ऊपर ही होता है। ऐसा है, नजर आ रहा है या नहीं? और भी बोले ना, और दो तीन बच्चे मुझे लगता है क्लास ले रहे होते हैं, बाकी सारे सो रहे होते हैं। सात लोग हैं, आठ लोग हैं, चलो मैं गिनूंगा। 54 में से आठ लोग हैं जिनको समझ आई। 9, 10, 11 आगे, और बाकी किधर हैं? 12, 13। चलो ये समझ आ गई है। यस, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये होता क्यों है। ये आपको अब समझा दिया कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं ये होता क्यों है। होता बेटे इसलिए है कि जब हार्ट सिस्टली में जाता है, अब ये हार्ट समझो, ये हार्ट सिस्टली में जा रहा है, जब ये सिस्टली में जाएगा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मायोकार्डियम, ठीक है, ये स्क्वीज करेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इन आर्टरीज को प्रेस कर देगी, बस इतनी सी बात है समझने में। आई बात समझ में? सिस्टली के दौरान कॉरोनरी आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं, खास तौर पर परफोरेटर्स, क्योंकि वो तो मायोकार्डियम के मसल के अंदर पैवस्त हुए हुए हैं, वो बेचारे तो बिल्कुल ही दब जाते हैं। सही है? अब जब वो बिल्कुल दब जाते हैं तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ब्लड फ्लो का, तो सिस्टली के दौरान वो जाहिर है नीचे ही जाएगा, और क्या करेगा। ठीक, अच्छा डायस्टली के दौरान क्या होता है? डायस्टली के दौरान मायोकार्डियम रिलैक्स कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है तो ये आर्टरीज खुल जाती हैं और उनमें ब्लड फ्लो जारी हो सारी हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, खैर सला, ये इतनी सी बात थी। यहां तक ठीक है? बाकी बाकी? नो सर, मुस्कान को नहीं समझ आई। मुस्कान सवाल करो, एक स्पेसिफिक सवाल करो। सारी कहानी मैं बेटे रिपीट नहीं कर सकता, इस तरह तो कभी आगे लेक्चर नहीं जाएगा। चलो ये लास्ट पर क्या,
लास्ट पर क्या बेटे? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. मुस्कान, वारिस, आस्क मी द क्वेश्चन. लास्ट पर क्या? चलो मेरा पहले इसका पर्पस तो बेटा अल्लाह जानते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ. सिस्टली के दौरान, ये बात आपको अजीब लगेगी वैसे, सिस्टली के दौरान जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये है कि सिस्टली के दौरान जो हार्ट का मसल है, मायोकार्डियम है, वो थोड़ा सा खतरे में होता है इस्कीमिया के. तो हेल्दी हार्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हार्ट में कोई ऑलरेडी कोई मसला चल रहा हो तो वो ये ज्यादा चांस है कि सिस्टली के दौरान उस वो मसला इस्कीमिया की एक शक्ल अख्तियार कर जाए. क्यों? क्योंकि नॉर्मली सिस्टली में ब्लड फ्लो कॉर्नरी में कम होता है बिकॉज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द कॉर्नरीज. डायस्टली के दौरान क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास हो रहा होता है, तो इसलिए डायस्टली के दौरान इवन अगर हार्ट बीमार है तब भी इस्कीमिया का खतरा नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी ब्लड फ्लो ठीक ठाक जा रहा है. इस्कीमिया में अलबत्ता ये खतरा मौजूद है अगर हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो. और बेसिकली ये बात है, बाकी आगे वाली सारी बातें हैं काफ़ी डिटेल्ड में, तो इसलिए उसको मैं स्किप करूँगा. आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, हाँ ये एक चीज़ ज़रूर एक्स्ट्रा है कि आपको याद होगा, वो एक बच्चे ने इधर मैंशन भी किया है कि जी वो 2/3 हार्ट जो है वो डायस्टली में रहता है और 1/3 सिस्टली में रहता है. ठीक है, तो आपको ये सुन के इत्मीनान होना चाहिए कि सिस्टली में गोया कि कम ब्लड फ्लो आ रहा है कॉर्नरी में, लेकिन सिस्टली ये भी तो देखें कि वो अपने ये जो इसका वो है टाइम पीरियड वो छोटा है, डायस्टली का टाइम पीरियड लंबा है. ठीक है, तो वो आराम से अच्छी तरह जब मायोकार्डियम को सप्लाई कर लेती है डायस्टली के दौरान, फिर सिस्टली होती है. तो सिस्टली में अगर वो कम हो भी जाता है तो क्योंकि एक सिस्टली की ड्यूरेशन कम होती है तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता ही नहीं है ड्यूरिंग अगर हार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो. बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट अब यही है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो है, ये भी बहुत जरूरी है. और बेटे ये जो है ना, ये मुझे लगता है बस मैं ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की भी, तो मैं यहाँ पर रख के फिनिश करूँगा, ये काफ़ी डिटेल्ड है. और फिर नेक्स्ट कल से फिर ये है कि अच्छी तरह पढ़ लेना, कल मैं ये दोनों लेक्चर्स यानी पूरा रीजनल जो ब्लड फ्लो है मैं सारा एक ही लेक्चर में ख़त्म करूँगा. ठीक है, तो आज का लेक्चर क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ा ज़्यादा बच्चों ने, तो वो मैं सिर्फ ये आखिरी स्लाइड करवा के मैं ये छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद कल आप ये भी सारा पढ़ोगे और इसका जो पार्ट टू है जो मैं अभी इस लेक्चर के बाद शेयर करूँगा वो भी सारा देखोगे, और कल मैं एक ही लेक्चर में सारा रीजनल ब्लड फ्लो आपको एक साथ करा दूँगा. लेकिन शर्त ये है कि आपने अच्छी तरह से ये सारा मामला देखा. ठीक है, वो आपके सवालों से मुझे पता लग जाएगा कि बोंगे सवाल जब होते हैं ज़्यादातर इसका मतलब बच्चों ने पढ़ा नहीं होता. ठीक है, अच्छा रीच का सवाल कर रही है सर, डायस्टोल में जब डायस्टोल में जब ब्लड कॉर्नरी आर्टरीज में जाता है तो उसका कितने प्रेशर उसका होता है? बेटा प्रेशर कॉर्नरी क्योंकि आर्टरी छोटी सी है, हमें प्रेशर से इतना बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, बस नॉर्मल प्रेशर होता है, हमें उसकी अमाउंट से सरोकार है कि उसका फ्लो कैसा है, अच्छा है, दरमियाना है या कम है. ठीक है रीच, अच्छा अब हम आ जाते हैं जो इंतहाई ज़रूरी काम है जिसका सवाल आपको एग्जाम में आता है, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो में ये सारा वो लेक्चर है, ये सारा वो लेक्चर आएगा जो लोकल ब्लड फ्लो में हमने पढ़ लिया. लोकल ब्लड फ्लो में हमने जो मैकेनिज्म्स पढ़े थे ना, ठीक है, वो अब इसमें आएंगे. ठीक है, अब लोकल ब्लड फ्लो में हमने क्या क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो, पता नहीं ये भी याद है या नहीं. एक हमने पढ़ा था कि लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है, लोकल फैक्टर्स होते हैं, यस. फिर हमने कहा था
कि एक एक लोकल होते हैं और फिर दूसरे जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं. एक्सटर्नल में नर्वस भी होता है जिसे मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और फिर हॉर्मोन्स होते हैं जो कुछ वेजो डायलेटर्स होते हैं और कुछ वेजो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं. ये तो हो गई पुरानी कहानी, ये हमने कर ली है, उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा. तो अब क्योंकि लोकल ब्लड फ्लो का हमने जिक्र कर चुके हैं, हम कॉरोनरी सर्कुलेशन इज ए टाइप ऑफ लोकल सर्कुलेशन. हम पूरी सर्कुलेशन की बात तो नहीं ना कर रहे, हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये बताएं कि कॉरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता क्या है, कौन चौधरी है यहाँ का, यहाँ कौन इस सर्कुलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है. ठीक, तो उस कंट्रोल में इन्हीं में से कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, जाहिर है इन्हीं में से आएगा ना, क्योंकि हमने ये तो सारा हमने पूरा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ. अब कॉरोनरी में इनमें कौन सा वाला है ये हम आज करें. खैर से जूम की टाइम भी खत्म होने लगा है, 10 मिनट 9 मिनट रह गए हैं, तो इसमें हमें फटाफट हम इसको कर लेते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जब हम बात करते हैं कॉरोनरी ब्लड फ्लो की तो उसकी रेगुलेशन कैसे होती है. तो बेटे याद रखना, ये जो लिखा हुआ भी है इतना नुमाया, लोकल ब्लड फ्लो, लोकल मसल मेटाबॉलिज्म या लोकल फैक्टर्स आर द प्राइमरी कंट्रोलर. नर्वस सिस्टम जो है वो नंबर टू पे आता है. यस, ये नंबर टू पे है, ये नंबर वन पे है, लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल. समझ में आई बात? अच्छा, अब लोकल ब्लड फ्लो से हमारी क्या मुराद है, ये बातें अब आपको सारी आनी चाहिए, याद आनी चाहिए कि हमने ये जिक्र किया था कि जी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन डिमांड थ्योरी है, और फिर हमने जिक्र किया था एडिनोसिन, पोटेशियम, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वेजो डायलेटर्स हैं, लोकल वेजो डायलेटर्स. यस, अब हार्ट में जब बात आती है हार्ट की, तो हार्ट में ऑक्सीजन इज द प्राइमरी लोकल मेजर रेगुलेटर. ऑक्सीजन की कमी वो मेन चीज है जिससे कॉरोनरी ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है. अगर ब्लड की कमी हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी हाइपोक्सिया हो जाए किसी भी वजह से, तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है ये रेगुलेशन पे, कॉरोनरी की रेगुलेशन पे. ठीक है, उसके बाद नंबर इसके अंदर यानी लोकल के अंदर उसके बाद आ जाते हैं लोकल वेजोडायलेटर्स. इसमें एडिनोसिन है, इसमें पोटेशियम है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ठीक है, ये बात हमने कर ली लोकल फैक्टर्स की, और हमें बार बार कह रहे हैं कि ये लोकल फैक्टर्स आर द प्राइमरी कंट्रोलर, ये बात याद रखने वाली. ठीक होगी बात, और हमने कहा कि हाँ जी नर्वस भी हैं, नर्वस जो है एलिमेंट वो भी है, लेकिन वो इतना वो भी है, मतलब वो साइड पे है, सब मेन हीरो नहीं है वो. याद है बात? ठीक है, अब आखिरी 7-5 मिनट रह गए हैं बेटा जी. ये जो है ना, ये अब सारी कहानी इसमें है, ये होता क्या. ठीक है, क्योंकि ये हमने कर लिया है. अब नर्वस कंट्रोल की थोड़ी सी कहानी यहां पे मजेदार है. कैसे मजेदार? ऐसे मजेदार है कि पैरासिम्पैथेटिक का जिक्र तो आपने सुना होगा, सिंपैथेटिक का आपने सुना होगा हार्ट पे क्या असर होता है. ठीक है, आज हम वो वाली बात करेंगे, लेकिन वो हम थोड़ी देर में करेंगे. असल हमारा मुद्दा क्या है? असल हमारा मुद्दा कॉरोनरी है. ठीक है, कॉरोनरी सर्कुलेशन. तो पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, पहले सिंपैथेटिक पे आ जाते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट एक्शन कॉरोनरी पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है मेनली. यहां तक ठीक है? ये मैं स्लो समझाऊंगा तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कॉरोनरीज पे जो डायरेक्ट एक्शन है,
वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन. यस बोल पड़ो रीच को से समझ आई है वही यस सर यस सर की जा रही है बेचारी बाकी बताने किधर चले गए. ये बेटे आपसे टाइपिंग करवाना मकसूद नहीं होता, मैं इंतहा से ज्यादा ना इन्वॉल्व रहता हूँ अपनी क्लास के साथ. क्लास रिस्पॉन्ड ना करे अगर आप लोग सब फिजिकली मेरे सामने हो और आप रिस्पॉन्ड ना कर रहे होते तो मैं इसी तरह से आपके पीछे पड़ता, क्योंकि मैं फिर पढ़ा नहीं पाता जब तक मुझे फीडबैक ना आए. ठीक है ना, पढ़ाने का फायदा ही नहीं होता अगर क्लास को समझ ना आ रही हो, तो उसका जो इजहार है वो बड़ा जरूरी है मेरे लिए. ठीक है ओके. हाँ नहीं बस जी सर काफी है या ओके सर भी काफी है. ठीक है राइट. सो एक सेकंड क्या है ये. सॉरी ये कोई किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है. ओके सॉरी. नाउ सो सिंपैथेटिक का जो है इफेक्ट वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है. अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी वो हो जाती है कॉम्प्लिकेट हो रही होती है. अब ये बात और से सुने वो इसलिए कि आप लोगों ने वीडियो भी नहीं ना देखी तो इसके सारा बोझ इस पर पड़ गया. कुछ दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक अल्फा वन होता है एक बीटा वन होता है. हार्ट में लोगों के हार्ट में अल्फा वन और बीटा वन दोनों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. ये बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये दो टाइप्स के हैं अल्फा वन और बीटा वन. ठीक है, जो अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस में ज्यादातर ये ज्यादा होते हैं अल्फा वन रिसेप्टर्स हार्ट में, बीटा वन जरा कदरे कम होते हैं. ठीक है, अब अगर अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें अल्फा वन रिसेप्टर ज्यादा है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब जब एक्टिवेट होगा इस अल्फा वन के जरिए आपकी कॉरोनरीज वेजो कंस्ट्रिक्ट करेंगे. ये बात आपको समझनी. और अगर आप ऐसे खुशनसीब हैं कि आप में बीटा वन आपके हार्ट में ज्यादा है तो जब जब सिंपैथेटिक सिस्टम अपना एक्टिवेट होगा तो बीटा वन पे एक्ट करेगा और वेजो डायलेशन हो, वेजो डायलेशन हो बीटा वन से. यस अब बताओ मुझे समझ आई नहीं आई. ये ठीक है ना, आज वो क्लास मेरी है ही नहीं जो चीता किस्म की क्लास है. मैं बीएससी के सामने भी तारीफें करता हूँ इस क्लास की, आज वो बच्चे ही नहीं है. आज सारे मुझे लगता है रोजा एक दिन पहले रख लिया साहब. चलो मैं वो तारीफ जो मैंने बीएससी एबिलिटी के सामने की थी मैं वापस ले लूंगा परसों. गंदे बच्चे बन गए. चलो आगे चलो, डायरेक्ट हो गया. अब जरा फटाफट इससे पहले कि जूम हमें काट दे हम फटाफट इसका इनडायरेक्ट भी कर लेते हैं. ये हमने बेटे कर लिया. सॉरी ये वाला पार्ट हमने कर लिया, ये डन है. अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पे. ठीक है, अब हमारा मुद्दा इनडायरेक्ट है. अब आप ये सवाल कर सकते हो कि भाई बल्कि करना चाहिए था अभी तक जो बच्चे सवाल यूजली करते होते हैं. कोई सवाल अभी तक है बल्कि पूछ ही लूं मैं शायद वो शाबे हो. सवाल है कोई? अरे जी आपसे बेटे इस तरह के सवाल की मुझे उम्मीद नहीं थी. बेटे ये कुदरती तौर पर होता है, ये रिसेप्टर्स हमारे हाथ में नहीं होते, पैदाइशी तौर पर होते हैं. ठीक है, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया. सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत ही बुनियादी किस्म का एक और बड़ा कलीदी किस्म का सवाल है जो बनता है लेकिन आप कर नहीं रहे सारे. और उसका ताल्लुक इससे है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, इससे ताल्लुक है सवाल का जो मैं वेट कर रहा हूँ जिस सवाल का. ये कोई मुझे अल्लाह का बंदा अल्लाह की बंदी बताएगी कि इसका क्या मतलब है?
हाँ जी, ये भी भूल गया है। ये क्या है? सहर मानो, आपने बेटे सारी कहानी डिस्कस कर ली है, अब वेजो टैलिश को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, वो पीछे डिस्कस कर लिया है। हाँ जी अरीबा, शाबाश, वेल डन, पहला बच्चा है इसने कोई रेलेवेंट बात की है। इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज पॉजिटिव आइनोट्रॉपिज्म, यस आंसर, गुड। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिज्म का मतलब है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इसका क्या मतलब है बेटे? बस 1 मिनट रह गया यार, लेस देन 1 मिनट रह गया, ये भी कल पे जाएगा। एनी हाउ,